फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई की। एसबीआई को लेकर एक बड़ी न्यूज निकल कर आई है, जिसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे न्यूज़ की वजह से स्टॉक पे क्या असर पड़ सकता है। साथ में एक छोटी सी अपडेट है, उसको भी आपके साथ में शेयर कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात यह है, एसबीआई में पिछले एक महीने में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है और लोगों ने बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट कमाया और अब जरा इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू है। इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आगे इसमें और तेज़ी की संभावना दिख रही है। लेकिन वो तेज़ी कहाँ तक जा सकती है, क्या आने वाले समय का शॉर्ट टर्म टारगेट बन रहा है, क्या इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए या अपने इन्वेस्टमेंट को अभी रोके रखना चाहिए, तो सारी वो जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगी। सबसे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले हम एसबीआई की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को 245.45 पर ओपन हुआ, फिर इसने 246.25 की हाई बनाई और ये लो में गया 242.05 पर, और लास्ट में इसने जो क्लोजिंग दी वो है 244.20 की, करीब 0.51% डाउन पर। यानी पूरे दिन ट्रेडिंग इसमें लगभग साइलेंट ही रही, न इसमें ज़्यादा तेज़ी दिखाई दी, न इसमें गिरावट हुई, लगभग ट्रेडिंग फ्लैट ही थी पूरे दिन और क्लोजिंग भी लगभग वैसी ही आई है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। बीएससी में करीब 24,70,768 शेयरों की वॉल्यूम हुई है और सामने 9,46,085 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 38.29%, यानी बीएससी में कामकाज अच्छा हुआ है। एनएससी की बात करेंगे, 5,43,55,703 शेयरों की वॉल्यूम हुई बड़ी मात्रा में और सामने 1,59,81,860 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 29.40%, यानी कामकाज अच्छा हुआ। इसके बावजूद भी एक लिमिट के एक दायरे के अंदर ही कामकाज चला, लेकिन इसके अंदर बाइंग मजबूत है और आगे इसमें तेज़ी की संभावना जरूर बनेगी। लेकिन अभी काफ़ी लोगों को प्रॉफिट मिल चुका है, इसकी वजह से लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैंने करीब आपको एक महीने पहले आपको बताया था, जब प्राइस 194 के करीब थी तब मैंने आपको बाय के लिए बोला था और मैंने 250 का आपको टारगेट दिया था, वो टारगेट अचीव हो चुका है। तो आई होप आपने खरीदारी की होगी तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल चुका है, करीब 30% का प्रॉफिट आपको एक महीने के अंदर मिला है, बहुत ही शानदार इसमें रिटर्न मिला है और आगे भी इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है। तो वो कितनी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस न्यूज़ की तरफ चल रहे हैं जो एक एसबीआई के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। एसबीआई ने अदानी के ऑस्ट्रेलिया में कॉर्मिकल कोयला खदान को 5,000 करोड़ का लोन देने की तैयारी की है, लेकिन उसका विरोध फ्रांस के फंड हाउस आमुंडी ने किया है। आमुंडी एसबीआई का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, वह यूरोप के टॉप 10 ग्लोबल फंड मैनेजर में से एक है। आमुंडी ने एसबीआई का ग्रीन बॉन्ड खरीदा हुआ है। आमुंडी के डायरेक्टर का कहना है कि हमें पता चला है कि एसबीआई अदानी के कॉर्मिकल कोयला खदान को लोन देने का विचार कर रहा है। यह लोन हमारी नीति के बिल्कुल उलट है, हम पैसों को महत्व नहीं देते हैं परंतु हम पूरी दुनिया को हरा भरा देखना चाहते हैं, हम ग्रीन वर्ल्ड चाहते हैं, परंतु इस कोयला खदान से पूरे वातावरण के अंदर कार्बन का उत्सर्जन हो जाएगा, यानी फैलाव हो जाएगा, इसलिए हम इसे मंजूर नहीं कर सकते, ये हमारी जो पॉलिसी है उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो हमने एसबीआई का ग्रीन बॉन्ड खरीद के रखा है, लेकिन अगर एसबीआई अपने फैसले से पीछे नहीं हटती है तो फिर हम अपने ग्रीन बॉन्ड जो एसबीआई की हमने खरीद के रखे हैं उनको जल्द से जल्द बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आमुंडी अगर ये ग्रीन बॉन्ड एसबीआई की अगर बेच देती है तो एसबीआई के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि यह फिर एक सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, एक तरफ कुआ और एक तरफ खाई की सिचुएशन बन जाएगी एसबीआई के लिए। क्योंकि एक तरफ तो अदानी ग्रुप है, पैसों के मामले में अदानी ग्रुप हिंदुस्तान का पहला सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है, यानी फर्स्ट नंबर पे है। रिलायंस को पीछे छोड़ के अदानी फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। तो इस तरह से अगर एसबीआई उनके लोन के जो प्रस्ताव को अगर खारिज कर देता है तो उसका जो इफेक्ट है यहाँ पर हमारे घरेलू बाज़ार में एसबीआई के कारोबार पर पड़ेगा, क्योंकि बैंकों का जो सारा कारोबार चलता है वो लोन देने पर ही चलता है। लोन की वजह से जो उनको इंटरेस्ट मिलता है उसी के ऊपर बैंकों का कारोबार चलता है। अदानी को नाराज़ करना यानी उनके कारोबार पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस घराना है। लेकिन सामने दूसरी स्थिति भी बन रही है, अगर आमुंडी को नाराज़ कर दिया जाता है और आमुंडी की बात को नहीं माना जाता है और ये लोन को पास कर दिया जाता है तो फिर आमुंडी जो ग्रीन बॉन्ड खरीदे एसबीआई के उसको तुरंत बेच देगा, और अगर ये सिचुएशन बन गई जो इसकी ग्लोबल इमेज के ऊपर धक्का लग जाएगा एसबीआई के, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है एसबीआई का उसके ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा। आमुंडी यूरोप के टॉप 10
फंड मैनेजर में से एक है, यानी बहुत बड़ा वो इन्वेस्टर है और SBI में उसकी बहुत बड़ा उसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अगर अमुंडी उसमें से निकल जाता है तो फिर जो ग्लोबल छवि है वो SBI की खराब हो जाएगी और बाहर से जो उसको इन्वेस्टमेंट मिलता है उसके ऊपर उसको फर्क आ सकता है। तो इस तरह से एक तरफ कुआ और एक तरफ खाई की जो सिचुएशन है वो SBI की बन गई है और उसमें से कैसे SBI बाहर निकलता है वो हमें देखना होगा। लेकिन जो भी है डिसीजन SBI को सोच समझ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो उसको हिंदुस्तानी बिजनेसमैन को नाराज करने की बात है और दूसरी तरफ विदेशी इन्वेस्टर को भी मना के रखना है। तो इस तरह से जो सिचुएशन बन रही है उसमें SBI को अच्छे से बाहर निकलना होगा और अगर ये सिचुएशन बनी रही तो उसमें SBI के स्टॉक पे भी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे दूसरे अपडेट की तरफ। पेटीएम ने SBI के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप साइन किया। इसके तहत पेटीएम SBI के क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर्स को देगा और ये दो तरफ के है कार्ड है, जिसमें एक 1499 का जो एनुअल फीस वाला कार्ड है, दूसरा है 499 एनुअल फीस वाला कार्ड। तो कस्टमर अपने हिसाब से वो कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से उनको क्रेडिट लिमिट मिलेगी जिससे वो शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो एनुअल फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है। यह कार्ड जो है पेटीएम के बिजनेस और SBI के बिजनेस को भी बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो इस तरह से पेटीएम और SBI की तरफ से मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है जो सिर्फ पेटीएम के ऐप पर ही अवेलेबल होगा। अब हम बात करेंगे SBI के आगे के बारे में, SBI के शेयर में और क्या तेजी की संभावना बन सकती है। पहले हम कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं। आज के दिन में अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट देखते हैं तो 99% बाय की कॉल निकल के आ रही है और सिर्फ 1% सेल की कॉल है। तो आप देख लो पब्लिक का सेंटीमेंट पूरी तरह से SBI के शेयर के साथ में, 99% लोग इसको बाय करना पसंद कर रहे हैं। तो आप सोच लो इसमें मंदी बनने की कोई संभावना नहीं है, इसमें तेजी जरूर बनेगी। आने वाले समय में तीन सेक्टर में ही तेजी की संभावना दिखने वाली है, वो है बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर का सबसे शानदार शेयर है SBI और इसमें आपको 100% तेजी दिखाई देगी। मैंने आपको पिछली बारी 190 के आसपास खरीदारी की सलाह दी थी और मैंने आपको 250 के करीब का टारगेट दिया था, जो टारगेट भी अचीव हो चुका है। अगर आप इस लेवल पर भी अब खरीदारी करते हो तो आपको बहुत जल्द ये 280 पर जाता दिखाई देगा। तो आप इस लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ये 280 तक जा सकता है और लॉन्ग टर्म में तो ये अब की बार इसके जो 52 वीक का हाई है उससे ऊपर जाएगा, यानी 351 से ऊपर इसकी नई हाई जरूर बनेगी। तो आप इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फिलहाल मार्केट में तेजी की संभावना बनी रहेगी क्योंकि FII की खरीदारी लगातार बन रही है। नवंबर में बहुत बड़ी उसने खरीदारी की है, इसकी वजह से आने वाले 2 महीने में मार्केट में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं बन रही है। तो आप इस लेवल पे खरीदारी करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट 100% मिल सकता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट SBI में कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है तो आपके पास एक डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं जिनकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाके अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे ब्रोकर हैं जिसमें अपस्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग, एडलवाइज, एलिस ब्लू, बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनकी मैंने लिंक दी हुई है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके उनके जो भी ब्रोकरेज चार्ज है वो आप आराम से देख सकते हैं और उनके बाद में आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं और अपना अकाउंट खोल के आराम से कामकाज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।